दादा अरे यार क्या कर रहा है तीन पीछे से बाउंसर हट जाना यार टाइगर एक सोलो श्रद्धा एक सोलो 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 बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ मैं पापा बहुत स्ट्रिक्ट है घर पे मम्मी के सामने कभी कभी बागी बनने की कोशिश करता हूँ मैं पर इट्स जस्ट नॉट मी इट्स नॉट माई पर्सनैलिटी श्रद्धा आप कभी आई थिंक खाने के मामले में मैं बहुत बागी होती हूँ डेफिनेटली उस मामले में तो डेफिनेटली कोई कंट्रोल नहीं रहता जो अच्छा खाना सामने आ जाए मतलब दिमाग में कोई थॉट्स भी नहीं आता बस पेट में ऑटोमेटिकली चला जाता है मैं कुछ करती भी नहीं हूँ तो उस मामले में कोई इंसिडेंट शेयर करेंगे रोज़ हमारे सेट पे इंसिडेंट्स खाने के बारे में तो हमेशा होता है इवन साबिर सर इज़ अ वेरी बिग फूडी आई वुड से कि इवन साबिर सर काफ़ी बागी है खाने के मामले में फिल्म की अगर बात करें तो किस चीज़ को लेकर आप लोग बगावत करने वाले हैं
I think कोशिश करी हमने to make a very honest film. I think फिलहाल जितना बोलूँ उतना कम है. I think it's too early to talk. पर बाकी director साहब आप कुछ बताएंगे. I don't know how much I'm allowed to say. Talk about the film. क्या बगावत? क्या की बगावत? अभी तक पिक्चर देखी नहीं मैंने पूरी कंप्लीट देखने के बाद बगावत करूंगा इनके साथ ओके टाइगर हीरो पंक्ति के बाद एक और फिल्म और होगी ना रीमेक कह लीजिए या नया वर्जन कह लीजिए ना हीरो पंक्ति से आपको लॉन्च किया पूरी टीम हुई है एक्सेप्ट श्रद्धा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कितनी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है और बागी में ऐसा क्या खास करा जाएगा जो ऑडियंस को लुभाए आई थिंक हीरो पंक्ति की यू नो कामयाबी को कायम रखे आई थिंक अभी एक एक उम्मीद है एक एक्सपेक्टेशन है बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि एक मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ विद साजिद सर एंड साबिर सर आई मीन देयर अ फैंटास्टिक विनिंग फॉर्मूला और मेरे साइड से आई एम गोइंग टू डू माय बेस्ट टू नॉट लेट देम डाउन आई थिंक आई हैव वर्कड हार्ड इनफ बाकी तो आपके हाथों में आई थिंक द ऑडियंस इज इफ दे एक्सेप्टेड हीरोपंती आई थिंक दे डेफिनेटली गोइंग टू बी इन फॉर अ ट्रीट विद बागी जी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा अभी फिलहाल इट्स टू अर्ली पर बिल्कुल होगा ही होगा सर अभी सलमान सर इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ आवर कंट्री एट द मोमेंट और मैं एक न्यू कमर हूँ तो खासकर मेरे लिए बहुत ही अनफेयर चीज़ है अगर आप ये कंपेरिजन कर रहे हो तो पर हाँ कोशिश करूँगा टू नॉट लेट माई टीम डाउन एज आई सेड एंड आई जस्ट होप मेहनत का फल मिलेगा सर इंशाल्लाह थैंक यू बहुत आज बर्थडे के दिन आप सेट पे मौजूद हैं कुछ इन्होंने प्लान किया था सरप्राइज करना था या यू नो इट जस्ट हैपेंड मैंने सुबह से तीन चार सरप्राइजेज है और क्या है जब दो तीन फिल्में बनाते हैं तो कोई ना कोई सेट पे एक बर्थडे आ ही जाता है पर वेरी स्वीट के वक्त निकाल रहे एंड लास्ट दो दिन बाकी फिल्म कंप्लीट हो रही है एंड वेरी स्वीट हर साल हम लोग एक केक काटते हैं कोई ना कोई फिल्म पे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो हीरोपंती की टीम है नाउ आई फील लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ दैट टीम सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बी विद द हीरोपंती टीम इन आवर फिल्म इन बागी डेफिनेटली टाइगर तो मतलब मैं आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट इनका जो एक्शन है इनका जो इनकी जो सिंसेरिटी है आई डोंट आई यू स्टिल हियर नाउ आई थॉट यू ही इज जस्ट अनबिलीवेबल और मैंने थोड़ी बहुत एक्शन की है सो आई होप एवरीबडी लाइक्स दैट बट डेफिनेटली ही हैज़ टेकन इट टू अ होल न्यू लेवल एंड जैसे टाइगर ने कहा वी ऑल वर्क वेरी वेरी हार्ड बहुत मेहनत की है हमने एंड बस उम्मीद ही होगी कि लोगों को पिक्चर पसंद आए एंड एवरीबडी लव्स द प्रोमो आल्सो वंस इट्स आउट इसी से अगला सवाल है कि आपने स्टंट सीखा है खबर आ रही है कि आप डॉन 3 कर रही हैं फरहान अख्तर आपके मतलब आपकी एक्टिंग की काफ़ी घायल है उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट बागी बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू ऑल ऑफ यू गाइज अबाउट बागी ऑल्सो and any other I think let's keep it to Baaghi only and share the excitement about our film. का नाम intense है बागी है तो आपको लगता नहीं जैसे वरुण धवन ने एक्सपेरिमेंट किया था बदलापुर वैसे आप एक रोमांटिक हीरो की छवि आपकी intense की कार में आ गई तो वो जी कोशिश तो करी मैंने अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ अभी तक मैं न्यू कमर हूँ बाकी मैंने पूरी कोशिश की टू फॉलो माई डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्शंस टू माई फुल पोटेंशियल एंड या आई एम जस्ट वेरी इंस्पायर्ड बाई ऑल द न्यू कमर्स द दिस जनरेशन खासकर यू नो बीट वरुण सिद्धार्थ अर्जुन सो हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनती लोग हैं और आई सीक लॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम बस कोशिश ये है कि वी डिलीवर गुड प्रोडक्ट ऑल एंड इट्स एक्सेप्टेड ग्रेशियसली भाई ये 50 साल जो बीते हैं क्या चेंज बोलना जरूरी था 50 कितना चेंज देखते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या बड़े चेंजेस आए हैं और सलमान खान के भी साथ में काम मैंने 50 साल इज अ लॉट ऑफ टाइम यार आई स्टार्टेड इन 1980 विद अमित जी धर्मेंद्र विनोद खन्ना गुलामी देन आई वर्क विद डैड फिर अभी इनके साथ
worked with Dharamji, then worked with Sunny, then worked with Bobby. My God. So it's a lot of worked with Amitji, then Abhishek. Huh? Yeah, so worked with a lot of people, acha, great fun. Worked with Salman, then after 15 years again worked with Salman, then again 10 years. So it is a growing period and the industry is taking better shape. So, aajkal, we are making films in 5 months, 6 months. The first film I made was, it took 7 years, Gulami. Oh, so, isme Smita Patil, Reena Roy ji, so 7-7 saal ek hi film banti thi. Registan mein jaake hum log ऊंट भी मर जाते थे उस टाइम पर ऊंट की बट अभी ये दे आर मेकिंग इट इन 5 मंथ्स एंड दे आर वर्किंग सो हार्ड यू हैव टू सी द काइंड ऑफ इंजरी दीस बॉयज गेट ड्यूरिंग शूटिंग इज अनबिलीवेबल बट दे स्टिल वर्क एज नहीं नो सर स्टोरी टू टॉक अबाउट यू नो टाइगर आपसे पूछना चाहूंगा बाकी की जब हम बात करते हैं तो बैकग्राउंड में वो प्रोस्टिट्यूट और वो पूरा यू नो वो एक अलग स्टोरी प्लॉट था तो क्या उसको कंटिन्यू करेंगे या कुछ अलग स्टोरी टू अर्ली टू टॉक अबाउट मैंने तो देखी भी नहीं अभी फिलहाल तो देखी नहीं पिक्चर पर इतना बोलूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं सर खाली टाइटल ही है एक्सेप्ट द टाइटल है मेरा सवाल आपसे है कि एक कास्टिंग होती है जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है तो एक कास्टिंग होती है तो उस जो पैरामीटर आपके थे उसमें टाइगर और श्रद्धा कहाँ तक फिट बैठते आई थिंक एब्सोल्युटली फिट बैठते हैं इसलिए यहाँ पे नहीं तो कोई और होते क्या क्या चीज़ें आपने देखी वो जो कास्ट आपने आई थिंक उसके लिए थोड़ा फिल्म के बारे में और बताना पड़ेगा आई थिंक कुछ ही महीनों में आउट हो जाएगी एंड यू विल सी आप देखोगे कि परफेक्टली कास्टेड है आप दोनों की केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे आप दोनों की केमिस्ट्री कैसे शूट आई थिंक मैं यू कैन टॉक फर्स्ट हम एक्चुअली एक दूसरे को स्कूल से जानते हैं तो एंड जब हम छोटे थे हम हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग बर्थडे पार्टीज थ्रो करते थे तो उसमें उसमें हम डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे तो टाइगर वुड आल्सो बी देयर एंड आई ऑलवेज लूज शी ऑलवेज विन आई यूज्ड टू विन एज अ किड बट नाउ ही इज लाइक टेकन ऑफ एंड हाउ बट तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और सेम स्कूल में भी थे एंड वी जस्ट होप दैट एवरीबॉडी लव्स आवर केमिस्ट्री एवरीबॉडी लव्स the scenes that we've done, Sabir sir has really had some directed us in very beautiful ways. I hope that we have done justice to that. Yeah. So when I last two, last two questions. It's too long time. Yeah. And there is also report that you know Deepika has been signed opposite Hrithik for Kabir's film. No, they're writing. They're still writing. Nice. So there's been. Shraddha, क्या आपके आवाज़ से normally कोई गाना गाया? हाँ बोलो बोलो. थोड़ा मतलब ये मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी यार थोड़ा ट्रेलर भी नहीं आया कुछ नहीं आया मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसके बारे में अभी ओके आई डोंट नो सरप्राइज है अरे जाने दे ना अरे वो लोग यहाँ पे सामने चलो तुम चलो ना यार क्या कर रहे हैं अरे मिलेगा यार अरे क्या कर रहे तुम लोग अरे वहाँ तो चल रहा चलो बाहर चलो Okay, ready position, first one.
Ready?